गुरु हर गोबिंद साहिब जी तुरे जा रहे ने, सिख संगतां नाल ने। गुरु हर राय साहिब दी हजे छोटी जी दुनियावी उम्र है, वह भी नाल तुरे जा रहे ने। जंगल विचों लंघे ते गुरु हर राय साहिब हजे गुरु पदवी ते नहीं बैठे। एक नजारा वेख्या गुरु हर राय साहिब की, एक अजगर सांप बहुत वड्डा ते करोड़ों कीड़े उनू नोच नोच के खा रहे हैं। रुक गए कदम उत्थे, गुरु हर गोबिंद साहिब कहण लगे की होया? कहण लगे दादा जी ओ वेखो सामने, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, एक अजगर सांप ना जीवदा है ना मरिया है, तड़फदा पिया नाले करोड़ों कीड़े नू नोच नोच के खा रहे। इस अजगर सप ने ऐसा केड़ा गुनाह कीता है, ऐसा केड़ा बजर पाप कीता है, ना मरिया ना जींदे है, तड़फदा पिया है नाले करोड़ों कीड़े नोच नोच के खा रहे। सुनियो, लाइव जा रहा है प्रोग्राम ए उना लई जिन्हां नू गुरु बनन दा शौक पैदा होया है, है नहीं गुरु बनन दे काबल, बस ना अपने अगे गुरु लवाउंदे। आ वेख लियो की हालत होंदी, एवें नहीं गुरु बनिया जांदा प्यारियो, गुरु बनन वास्ते ततियां तवियां ते भी बहना पैंदा है। एवें नहीं बैठे, एवें नहीं बनिया जांदा, एवें नहीं बनिया जांदा, गुरु बनन वास्ते देग च उबाले भी खाने पैंदे, गुरु बनन वास्ते चांदनी चौक चे शीस भी कुर्बान करना पैंदा है। एवें नहीं बनिया जांदा। गुरु हरगोबिंद साहिब खामोश हो गए। गुरु हर राय साहिब पातशाह कहण लगे, दस दे नी सतगुरु, इस अजगर साहब ने ऐसा केड़ा गुनाह कीता है, केड़ा बजर पाप कीता है जो इतनी भैड़ी सजा भोग रहे हैं, ना जिंदा ना मरे है, कितने ही कीड़े नोच नोच के खा रहे ने। गुरु हर गोबिंद साहिब दे मुखो वचन निकलिया, पिछले जन्म च इन्हें अपने आप नू गुरु अखवाया, पिछले जन्म च इसने सप ने अपने आप नू गुरु अखवाया सी, गुरु बनन दे काबल नहीं सी, गुरु बनन दे काबल नहीं सी, मौत हो गई, जन्म मिलिया सप दा, आ जेड़े कीड़े नोच नोच के खा रहे ने ये बनाए सी सारे इन्हें अपने चेले, अज बदला ले रहे ने, जे तू पूरा नहीं सी आप ते डुबिया सानू भी लेके डुब गए, हिसाब किताब पूरा कर रहे। गुरु महाराज के चरणा च अरदास करिए, ऐसा गुरु पूरा नहीं लभना, जिथे मर्जी ठोक बजा के वेख लो। चंगे सारे ने आपा किसे नू निंददे नहीं, पर जिस जगह ते तुसी आसन ला के बैठे हो तुहाडी रीस कोई नहीं कर सकदा। रामायण ग्रंथ है रामायण गुरु नहीं, गीता ग्रंथ है गीता गुरु नहीं, बाइबल ग्रंथ है बाइबल गुरु नहीं, कुरान ग्रंथ हो सकता है गुरु नहीं। तुसी कितने बड़े भागा वाले हो, कलगियां वाले ने, जिन्हां नू कलगी तर सचे पातशाह ने तुहानू जिदे लड़ लाया, ये जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आ लोग जेड़े गुरु बनाई फिरदे ने, जदों गुरु मर जांदा फिर दूसरा धारण करना पैंदा। ओ जिवें बड़े हादसे की गल है, महापुरखां कोल कोई माता गई 72-73 साल दी, कहण लगी जी मैं तुहानू अपना गुरु धारण करना है। ओ कमाई वाले सन थोड़े, कहण लगे माता मैनू गुरु धारण करना है, तेरी 70-72 साल की उम्र, तू हजे तक गुरु नहीं धारे? कहिंदी जी तीन धारे सी मर गए, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बचपन च जिन्हू मेरे मापे मनदे सी ओनू गुरु बनाया, मैं वड्डी होई जवान उम्र होई मेरी ते वह मर गया, मैं जदों जवान होई फिर दूसरा धारिया ओ भी मर गया, जदों व्याई गई आदमी ने जिन्हों गुरु बनाया सी
फिर आदमी दे कहण ते उनू गुरु तारिया तीसरा भी मर गया। महापुर कहण लगे हुण सानू डुबण लगी होई बां फड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी लै गए चल तेनू ऐसे गुरु दे लड़ ला देने आ जिहड़ा कदी मरदा ही नहीं जिन्हें कदी मरना ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा ते सदा मनाओगे कदी गुरु ग्रंथ साहिब की बरसी नहीं मनाओगे। इन्हां गुरुआं दी बरसियां मनाईयां जांदी जेडे जमदे ने मरदे ने आ कदी मरदा नहीं। प्यारे ओ सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए वो अविनाशी पुरख है जो सब में रहा समय। अरदास करी ऐसे गुरु दे लड़ लगी ऐसा गुरु जेड़ा आप पूरा। बाबा नाम सिंह जी कहते सी जेड़ा कवे मेरी श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो पूरी नहीं पई जिथे मर्जी धक्के खा कितों पूरी नहीं पै सकदी। जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब तो खाली रह गया ओदी झोली कितें भर नहीं सकदी। अधूरे की पूरियां करनगे जे पूरियां कराणियां फिर पूरियां कोल आ तेरा लोक भी सवारू तेरा परलोक भी सवारू। आज ही काबुल तो संगत चली ए संगत नू लखनऊ काम सी कोई ओ तो बाद इन्हां ने हरिमंदर साहब जाना सी गुरु अर्जन पातशाह दे दर्शन करन। चार पांच छे दिन हफ्ता रह के फिर इन्हां ने काबुल वल चले जाना सी। इन्हां नू ए सी पहले लखनऊ का काम निबेड़ लई वापसी अमृतसर उतों फिर नेड़े ही है काबुल आपा रस्ता हो ही है उतों चले जाए जिमें संगतां हेमकुंड साहब जांदी कई जांदियां पौंटा साहब जांदे कई आउंदियां पौंटा साहब आउंदे जिमें जिन्हां नू सौख लगदी। ए संगत ने लखनऊ अपना काम निबेड़िया पूरा काफला सी जत्था सी पूरा 100-150 शरीरां दा भी हो सकता है 200 शरीरां दा भी हो सकता है। इन्हां ने लखनऊ अपना काम निबेड़िया ते हरिमंदर साहब लई चाले पाउण लगे। लखनऊ का एक रहण वाला सिख सी बहुत प्यार वाला कुट कुट के जिहदे अंदर प्रेम भरिया होया जाणदा सी संगत की वडियाई जाणदा सी संगत बारे जिथे संगत की खुशी हो जाती उत्थे गुरु की खुशी हो जाती। गुरु अर्जन देव जी का सिख सी लखनऊ अंबा दे खेत सन इहदे अपने नहीं सी नौकरी करदा सी काम करदा मालक ने इहनू खेत सौंपे होए सी 6 महीने बाद साल बाद 8 महीने बाद मालक आंदा सी इहदे नाल हिसाब कर लैंदा इहनू पता लग्या कि गुरु की संगत आई है लखनऊ काबल तो इस संगत ने हुण दरबार साहब जाना है गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करन। साध संगत जी भजदा भजदा जिस रात वो संगत लंघ रही सी संगत दे अगे आके खलो संगत दा जथेदार सी ना जिहड़ा मुखी ते हुंदा ही है ना कोई ओ मुखी जथेदार कहिंदा भाई तू कौन है साडे राह के अगे क्यों खलोगे की चाहुंदा है। कहिंदा जथेदार जी आ नेड़े ही अंबां दे खेत ने वो खेत मेरे नहीं मैं ते नौकर हाँ मालक देने उन्हें मेनू सौंपे हुए तुसी गुरु की संगत हो गुरु अर्जन देव जी को चले हो मेरे गरीब दी बेनती मनते जाओ सारी संगत नू बेनती करो मेरे गरीब वालों के सारी संगत खेतां च चरण पा के जाओ सुने सारी संगत नू मेरे गरीब वालों बेनती करो कि संगत खेतां च चरण पांदी मैं सेवा करनी चाहुंदा संगत दी चाह सी बड़ा। गुरु अर्जन देव जी सेवा करदे संगत दी सोहले साहब दा पाठ करदे सी 10 बजे दा समा सी अखां भर गईयां जदों समाप्ति होई महाराज दे महल साडे माता गंगा जी पुछण लगे स्वामी की गल अखां भर गईयां। गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे काबुल तो संगत आई है पहली बार सानू मिलना है संगत ने गुरु रामदास जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद संगत ने पहली बार सानू मिलना है ओ संगत थकी बड़ी ये पुतली कर जिथे अज गुरुद्वारा पिपली साहब बनिया होया चल गंगा अज चल के हत्थी संगत दी सेवा कर आई। ए गुरु अर्जन देव
आ गुरु बनना सौखा नहीं। आज ये गुरु जेड़ा अपने पिंडे ते हंडा के अपने सिखा नू पूरने पाउंदा है। आज जेड़े गुरु बने हुए ने कुर्सियां ते बैठे ने इन्हां नू कहो जेड़े इन्हां दे चेले ने एक बारी भरी संगत विच जाके कहो गुरु जी आज तुसी साडे पैरां च बैठो असी तुहाडी कुर्सी ते बैठा है। वो ऑर्डर कर देणगे अपने कमांडो नू कहिंदे लंघा दिओ गोलीए दे अंदरों आखो सतनाम श्री गुरु वाहे गुरु बड़ा आया सानू अपने पैरां च बिठाउण वाला ते साडी कुर्सी ते बैठण ए ते एही सन गुरु नानक बाबा जी लेना जी अपने पुत्रां नू नहीं दिता जे आखे नहीं लगे पुत्र खाली रह गए बाबा लहणा जी जिन्हां ने सेवा कमाई एक दिन गुरु नानक ने अपनी थां ते बिठा के बाबा लहणा जी नूं मथा टेकता जी चरना इते ही सन इते कलगिया वाले सन पहले पंजा नूं अमृत छका के फिर हथ जोड़ के पैरां च बह गए खालसा जी जिवे मैं तुहानूं दया राम तो दया सिंह बनाया दास गोबिंद राय नूं भी गोबिंद सिंह बना आपे गुरचेल इस घर की वड्याई है और किते नहीं लभदी किते नहीं लभदी। पागल होए फिरदे ने जेडे गुरु बनाई फिरदे ने कितने कितने ते जीवन ते कलंक लगे हुए कितने कितने ते केस चलते पए ने। अरदास करो इन्हां देह धारियां तो उत्ते उठ के आपां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ लगी शब्द नूं गुरु बनाइए ए गुरु हर वेले हर वक्त हर सिख की अगवाई कर सकदा है। किसे ने देहधारी नूं गुरु बनाया मान लो रहिंदा है वो पंजाब साइड ते इत्थे उहदे चेले दा बेड़ा डुबदा होवे ते पहले ते फोन नहीं मिलदे गुरुआं दे आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। अज दे गुरु अमीर निवाज ने एक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़े गरीब निवाज ने। आ जड़े गुरु बड़े फिरे ने ते वेखदे ने जिस चेले कोल जिन्नी वड्डी गड्डी होएगी जिन्ना मोटा लिफाफा देगा उहदे घर चरण पाउंदे। आ जे गरीब निवाजी करन वाला तेरा किराए दा मकान होवे मैं कहना छत भी चौंदी होवे एक बारी कह सच्चे पातशाह मेरे घर चलोगे चरण पाओगे गुरु ग्रंथ साहिब जी मारे कहणगे हां पंज सिंह लिया अरदास करके लै चल मैनू आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। तेरे टुटे फुटे घर च भी जाके रौनकां ला देने इह ने गरीब निवाज करदे ने गरीब निवाजी। वो फोन ही नहीं मिलता पहला तां चेले चपाटे चुकदे फिर जे गुरु का फोन भी मिल जे गुरु जी आ जाओ मेरा बेड़ा डुबण वाला है गुरु किवें आएगा ज्यादा तो ज्यादा फ्लाइट ते आएगा घंटा लग जाएगा तद तक चेले का बेड़ा ही डूब जाना। आ जे शब्द गुरु मैं कहना विदेशों की धरती ते बैठे भी इनू याद करो उत्थे भी शब्द रूप की कला वरता के सिख का बेड़ा पार ला देंदे हर वेले हर वक्त हर सिख की अगवाई कर सकता है वह है शब्द गुरु। जिदे लड़ असी लगना है जिदे लड़ लगन करके ये समागम रचे गए परमा भुलेखा तो उत्ते उठो वहमा परमा तो उत्ते उठो जींदे जागदे दे लड़ लगोगे जमीर जगा देगा जे मरियां दे कबरां दे लड़ लगोगे तो फिर उस तरह का ही जीवन हो जाए। ये जानता सी कि मेरे गुरु साहिब संगत नूं कितना प्यार करदे है ए पिपली साहब कदी जायो गुरु अर्जन देव जी भेस वटा के अपने महलां दे नाल प्रशादा पानी लैके पखा लैके जल लैके संगत दी सेवा करन गए सी कदी पत्तल वरतांदे सन कदी प्रशादा कदी दाला कदी पत्तल आप चुकदे सन कदी जल छकांदे सन संगत आराम करदी सी कदी गुरु अर्जन देव जी पखा भी चलदे सी संगत नूं। एक तो ऐसा भी इतिहास सुनन नूं मिलिया कई बारी बंदा बहुत थकिया होवे ना ते अपने पैर आप घुटदा है कदी नोट करियो बंदा बहुत थकिया होवे अपने पैर आप घुटन लग पैंदा। एक बजुर्ग अपने पैर आप घुट रहे सी संगत विच गुरु अर्जन देव जी ने भेस वटाया सी कोई पछाण पा नहीं रहा सी
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਦਵਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਪੱਤਲ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਦੀ ਦਾਲਾ, ਕਦੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ ਹਾਥੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਸ ਸਾਡੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਈ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ, ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਤਲ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜੇ ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਝਾੜੂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਜੀਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਮਸਕਾਰ? ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਚਾ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਂਜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾਂਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾਏਗਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਉੱਚਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੇਵਲ ਉੱਚਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਜੜ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਖਾਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੈਥੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੂਪ ਚ ਵਿਚਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਗਏ, ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੋੜਾ ਖੋਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
सिख तुहाडी सेवा करके खुशियां लैण या तुसी सिखां दे जोड़े साफ करो। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे बाबा जी आ जिहड़ा जोड़ा खोया जे मैं ते संगत विचों अपना गुरु नानक लभदा पिया, क्योंकि विच संगत हर प्रभु वसे जी। जिहड़ा जोड़ा खोया जे जिहड़ा जोड़ा खोया जे किते वेखो ये मेरे गुरु नानक दा जोड़ा ते नहीं, ऐसी दृष्टि बढ़ाती जी। आ पूरने पाउण वास्ते सेध देण वास्ते जिन्ने मेरी खुशी जिन्हों मेरी खुशी चाहिदी है मेरी संगत दियां खुशियां ने, जिदे ते मेरी संगत खुश है उदे ते गुरु नानक खुश है। ये सिख जानदा सी साध संगत ये महापुरखां दे बचन ने, जिन्हां घरां चों प्रसादे पक के संगत लई जांदे ने गुरु घर जांदे ने उन्हां घरां दा प्रसादा कदी हस्पतालां च नहीं जांदा। अगे समां हुंदा सी कोई गुरुद्वारे प्रोग्राम होना ते भाई जी ने अनाउंसमेंट कर देनी, बार आटे दियां थालियां थैलियां पईयां किलो किलो दो दो किलो दी, माइयां अपने घर लै जाण, जदों कल नूं आओ कीर्तन दरबार ते ते हत्थी प्रसादा पका के लै के आए। ये उदों काम थोड़ा ना होंदे सी हलवाई जिहड़े बीड़ियां भी पींदे नाले प्रसादे भी बनाई जांदी। ये तो चलो कृपा है हुण हर सिंह हैप्पी ने ताड़ना कीती है जिहड़े हलवाई लगे है सर कज के रुमाल पा के बिल्कुल भै विच बणाउंदे, नहीं तो आम असीं अक्सर विचरदे हां वो जड़दे भी रगड़ी जांदे है बीड़ियां भी पी जांदे नाले लंगर भी बनाई जांदे, फिर जैसा आन वैसा मन हो जांदे। लियाओ ये क्रांति लियाओ ये चीजां अपने घर विच, गुरुद्वारे प्रोग्राम होवे एक दिन पहला अनाउंसमेंट हो जाए बार आटे दियां थैलियां पईयां सारियां बीबियां घर लैके जाण वाहेगुरू वाहेगुरू करके प्रसादा बना के लियाओ। मैं कहना जिन्हां घरां चों प्रसादा पक के गुरु घर आंदा है उन्हां घरां दा प्रसादा कदी हस्पतालां च नहीं जांदा। गुरु महाराज कृपा कर दे तू मेरी संगत की सेवा कीती, इन्ने संगत दे चरण पुआए जी खेतां च, संगत नूं कहिंदा सज्जो पंगत ला लो, दरखतां तो अम तोड़ तोड़ के धो के संगत नूं छकांदा है। संगत भी प्यार वेखदी है सिखदा अजे ते अपने खेत नहीं हजे ते नौकर है, इन्ना चाहे नूं संगत की सेवा करन दा, उन्हां अंबां च रस ही वखरा जो प्यार नाल सिखाए हो, सारी संगत इहनूं असीसां दिंदी। जदों सारिआं नूं अम सिखाते हाथ सुचे कराए जथेदार कहिंदा हुण जाइए, कहिंदा पांच मिनट होर बह जाओ पांच मिनट होर, कहिंदा हुण की रह गया, कहिंदा पांच मिनट बह जाओ बस। अंबां दा इक टोकरा तैयार कीता साध संगत, जथेदार नूं कहिंदा जिथे अपनी भेटा गुरु अर्जन देव जी नूं भेटा करोगे मेरे गरीब वल्लों अंबां दा टोकरा भेटा करियो गुरु अर्जन देव, मेरे गरीब की भी हाजरी लायो, मारन नूं कहो मैं नहीं आ सकता, गरीब वल्लों भेटा भेजी उन्हें आ प्रवान करो। ये नहीं सी पता उस अंबे दे अंबा दे टोकरे ने इतिहास बना देना। सुनियो अगे की होया, जथेदार दी अखां भर गईयां, सिखा धन तेरी सिखी धन तेरा प्रेम। ये जदों सारा जत्था अमृतसर पहुंचया महाराज बैठे, संगत सारी सज के बैठी हुई, ये संगत ने अपनी अपनी भेटा महाराज दे चरणा च रखी, अंबा दा टोकरा भी रखिया। हुण इन्नी सारी संगत ने अपनी अपनी भेटा दित्ती, महाराज ने किसे चीज बारे नहीं पुछिया। जदों अंबा दा टोकरा रखिया ते महाराज कहिंदे इहदे विच की है, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो किवें सच्चे पातशाह सिख नूं माण वडियाईयां बख्शे, इन्नी भेटा संगत ने रखी महाराज ने किसे बारे नहीं पुछिया, अंबा दा टोकरा रखिया ते महाराज झट नाल कहिंदे इहदे विच की। जथेदार कहिंदा महाराज सब जाणी जाणो, लखनऊ तो आया ये प्रेम वाले सिख ने तुहाडी संगत की भी सेवा की, तुहाडे लई अंबा दा टोकरा भेजिया। महाराज कहिंदे खोलो, अंबा दा टोकरा खोलिया ते महाराज कहिंदे अंब ने अंब कढो बाहर टोकरे तो। जदों सारे अंब बाहर कढे ते महाराज सेवादार नूं कहिंदे गिण उस प्रेम वाले सिख ने किन्ने अंब भेजे ने। जदों सिख गिणती गिणदा है ते नाल कहिंदा महाराज गिणती कादे वास्ते, गुरु अर्जन देव जी कहिंदे जितने उस सिख ने आम भेजे ने असी ओदियां ओनियां कुल्लां तारां ने।
अगे सुनियो जदो इनी गल सुनी ते उसे संगत विच भाई कूरम बैठा सी। भाई कूरम ए साध संगत जी मोहाली लमहा पिंड है उत्थे दा रहण वाला सी। इहदे अंबां दे बाग सन बड़ा शाहूकार सी ए भी महाराज दी संगत करदा सी। जदों इन्ने सुनिया ते खड़ा हो गया महाराज कहिंदे तैनू की होया। महाराज देना ते उहनू चाहुंदे सी कुछ। महाराज कहिंदे तू क्यों खड़ा हो गया कूरम इहदे अंबां दे खेत सन। कहिंदा सतगुरु जे अंब छकाण नाल कुल्लां तरदियां फिर मैनू दसो मैं कदों छकावां तुहानू। महाराज कहिंदे ते रीस वाला प्यार हो गया इन्ने टाइम तो संगत करदा नाले तेरे ते अपने अंबां दे खेत ने तेनू कदी चा नहीं चढ़िया कि मैं महाराज नू या महाराज की संगत वास्ते लेके जाऊं। इत्थे एक सिख का प्यार देख के तेनू रीस आ गई। कहिंदा महाराज मेरिया भुल्लां बख्शो हुण ये दसो कि मैं कदों अंब छकावां तुहानू। इतिहासक बोल ने इतिहास। महाराज ने वेख्या के प्रेम जाग पिया हुण आकड़ खत्म हो गई। महाराज कहिंदे कूरम तू फिक्र ना कर तेरे तो भी छकांगे। कहिंदा महाराज कदों छकोगे। महाराज कहिंदे छकांगे। कूरम कहिंदा महाराज तारीख ते दसो कदों छकोगे। महाराज कहिंदे छकांगे। कहिंदा महाराज समा ते दसो कदों छकांगे। फिर महाराज ने जिहड़ा समा दसिया उह सूरज प्रकाश ग्रंथ विच कवि संतोख सिंह जी ने लिखिया है। कहिंदा महाराज कदों छकोगे तरीक ते दसो समा ते दसो। गुरु अर्जन देव जी ने अपने मुखों पता की वचन कीते। कहा गुरां ने दिल तेरे दी आस पुजावांगे। जदों इन्हें पूछा महाराज कदों छकोगे समा ते दसो। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे कूरम सुन। कहा गुरां ने दिल तेरे दी आस पुजावांगे। करू जमाना याद ऐसी प्रीत निभावांगे। तेरे प्रेम दे बद्दे सतवें जामे आवांगे। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। महाराज कहिंदे हुण नहीं छकांगे सतवें जामे आके छकांगे। इहदी अखां भर गईआं सतगुरु इन्ना लंबा समा पात हजे ते पंजवां जामा चलदा फिर छेवां फिर सतवां इन्नी लंबी तरीक सतगुरु मैं जींदा रहांगा उदों तक। आ वेखिओ जे पूरा जे गुरु अर्जन देव दे मुखों बचन निकले तू नहीं मरदा उदों तक। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। महाराज कहिंदे तू नहीं मरदा उदों तक। बस इन्ने बचन झोली च पुआए ते कूरम अपने घर नहीं वड़िया। मंजा बिस्तरा चुकिया ते खेतां च ही डाले। नाले खेतां च आप कम करदा नाले दिन रात प्रेम वधदा गया है। इत्थे समा पा के पंजवें पातशाह दी शहीदी हो गई। छेवें सतगुरु मीरी पीरी वाली आए ओ तख्तां ते विराजमान होए ड्यूटियां दित्तियां। छेवें पातशाह ज्योति जोत समा गए सतवें पातशाह दा समा आ गया। भाई कूरम बुढ़ा हो चुकिया सी एडा दाड़ा भर गया सी अखां दे परवट्टे इन्ने वड्डे वड्डे हो गए सी। इन्नी वड्डी उम्र हो गई सी कूरम दी। एडे वड्डे वड्डे परवट्टे हो गए सी। इहनू कोई मिलन आंदा सी ना हत्थां नाल परवट्टे उच्चे करके वेखदा सी कौण आया है। एडा बुढ़ा हो गया उम्र भी शिखर ते अंदर दा प्रेम भी शिखर ते। इहनू किसे सिख ने दस्या सतवां जामा चलदा है। बस दिने रात हुण बेनती करदा सतगुरु तुसी वचन कीते सी सतवें जामे आवांगा हुण आजो मेरा भी पता कोई नहीं। पातशाह आओ कृपा करो जो वादा कीता सी ओ निभाओ। आम शकण आओ महाराज कदी खेतां च चरण पाओ। ए लमहा पिंड है जी मोहाली कोल चंडीगढ़ मोहाली लमहा पिंड। इहदे अंबां दे खेत सन खेतां च मंजा डाया। एक पो वाला दिन सी एक पो वाला दिन ऐसियां खिचां मारियां सच्चे पातशाह मेहर करो। गुरु हर राय साहिब घोड़े ते सवार घोड़े भजांदे 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 जिथे इहदे खेत सन खेतां को लिया के घोड़ा खड़ा कीता। एक पो वाला दिन एक सिख ने कहा ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਬਸ਼ਗਣ। ਫਿਰ ਰੋ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਓ ਇੱਕ ਪੋ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅੰਬ ਕੀ ਲੱਗਣੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
हुण अंबां दे सीजन चलदे ने ना, गर्मियां च पकदे है, बारिशां पैंदियां, गर्मियां च सेक लगदा है इहनां नूं, धुप दा सेक सहिंदे ने, रस भरदा है। एक पो नूं सर्दी बड़ी हुंदी है, दरखतां नूं अंब नहीं लगदे, अंबां दे बूर भी नहीं लगदे। कहिंदा सच्चे पातशाह उदो भी खाली रह गया, मैं अज भी खाली रह जां। एक पो वाले दिन आयो, मैं दरखतां नूं अंब किवें लावां। एक सिख ने कहा, शरदा पैदा कर, जेड़े तेरे खेतां च आए ने ए सुक्यां नूं हरा करन वाले ने। जे अंब छकण दी आपे ही सच्चे पातशाह ने तेनू गल कीती है, ते दरखतां नूं ला वी आपे ही देणगे। बस पूरन शरदा बन गई, चरणा च ढह पिया, सतगुरु जे छकण दी इच्छा पैदा कीती जे ते ला वी आपे ही दिओ। ऐसी खेड वरती उस स्थान ते, मारे कहिंदे अखां उच्चियां करके वेख। जदो अखियां उच्चियां करके दरखतां वल वेख्या ते सारे पासे अंब ही अंब लगे होए, सारे पासे अंब ही अंब लगे होए। सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जिवाए। ऐसी खेड उस स्थान ते वरती, किसे नूं शक होवे जिथे खेड वरती अज उथे गुरद्वारा अंब साहिब बनिया होया है। किसे नूं शक होवे अज गुरद्वारा अंब साहिब बनिया है, जिस खेतां विच इह खेड वरती उस थां ते अज गुरद्वारा अंब साहिब बनिया होए। एडा वड्डा गुरद्वारा है, इह सारा इतिहास जिहड़ा मैं तुहानूं सुणाया उत्थे लिखिया होया है। एडा वड्डा प्रबंध है उस गुरु घर दा, चंडीगढ़ मोहाली लम्हा पिंड। गुरु हर राय साहिब ने बचन कीते कूरम, जिन्हां दी भगती दा रस खत्म हो गया है, जेड़े प्रेम तो सखणे हो गए ने, जदों इस स्थान ते आके अरदासां करनगे, नतमस्तक होणगे, उन्हां दी भगती दा रस फिर भर जाए। महाराज दी उत्थे चरण छो कुछ वस्तुआं भी हैगियां, जिहड़ियां दर्शनां वास्ते गुरु घर च रखियां होईयां। ये है साडा पूरा गुरु, इस पूरे गुरु नाल अपनी सांझ बनाइए, इस पूरे गुरु नाल जुड़न वास्ते जो मर्यादा कायम कीती गुरु गोबिंद सिंह ने, पांच प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी अमृत छका के पूरे गुरु दे लड़ लाउंदे ने। उस गुरु दे लड़ लगीए फिर लोग सुखीए, पर लोग सुखेले नानक हर प्रभु।